अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट बिलाल और आज हम मौजूद हैं 6th रोड अंडरपास के नीचे। और ये जगह ऐसी है कि जहाँ पे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्जैक्ट आपको लोकेशन मिल जाएगी। तो अगली दफ़ा आपने हमें तंग नहीं करना कि यार किधर है किधर है। लोकेशन हम वीडियो में बार बार बताते हैं, प्राइस भी बताते हैं, यार सब कुछ बताते हैं। तो वो भी नीचे कमेंट आ रहे होते हैं कि आप लोकेशन नहीं बताई, लोकेशन नहीं बताई। वीडियो को पूरा देखा करें, लोकेशन आपको उसके अंदर ही मिल जाएगी और प्राइस भी मिल जाएगी। अब आते हैं वीडियो की तरफ। आज हम मौजूद हैं द पिज़्ज़ा प्रोफेसर पे। ये जगह जो है कई दफ़ा मरी रोड से गुजरते हुए इसके ऊपर ना नज़र पड़ती रही, तो हमने सोचा कि यार क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। फिर वैसे ही बैठे बैठे मेरी नज़र पड़ गई, सोशल मीडिया पे भी आ रहे थे, मैंने सोचा कि यार इनको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इनकी एक चीज़ है जो मुझे बहुत जिसने अट्रैक्ट किया है ना, वो पिज़्ज़ा मटका। तो ये एक चीज़ सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है और काफ़ी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया कि पिज़्ज़ा मटका क्या चीज़ है यार। पिज़्ज़ा हमने देखा है, खाया है, लाखों दफ़ा खाया है, पिज़्ज़ा मटका क्या चीज़ है? तो इसकी इतनी हाइप क्रिएट हुई, हमने सोचा यार इसको ट्राई भी करने, आप ट्राई करने आए हैं। और यहाँ पे आके मुझे एक बड़ी खूबसूरत चीज़ लगी है कि जो इसकी जो इन्होंने थीम बनाई है ना, प्यार कैसे करूँ, तनख्वाह बहुत थोड़ी है। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट की है। इन्होंने जो पाकिस्तान के जो थीम इन्होंने दी है ना, जो ट्रक थीम है जो UK वगैरह में भी फॉलो किया जा रहा है, वो इन्होंने थीम यहाँ पे दी है। मैं तेरे सदके जावां पर हाथ ना आवां, ठीक है। प्रॉपर पिंडी वाल जो है ना, वो इन्होंने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। अब ज़रा चलते हैं उनकी तरफ और उनको कहते हैं कि उनका मेन्यू भी चेक करते हैं। पहले तो पिज़्ज़ा मटका तो हमने मंगवाना ही मंगवाना है, उसके साथ देखते हैं हमें क्या कुछ अट्रैक्ट करता है, तो हम वो भी मंगवा लेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम, आपकी थीम तो अच्छी है, हमें थीम पसंद आई है, आपका खाना भी इतना ही अच्छा होना चाहिए, तब मज़े की बात है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, आप ऐसा क्या सर्व कर रहे हैं जो पूरे पिंडी इस्लामाबाद में आपको लगता है कि कुछ नहीं है? मटका पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा बर्गर। मटका पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा बर्गर, ये मतलब पिंडी इस्लामाबाद में कम है या है ही नहीं? है ही नहीं। ये कह रहे हैं कि अभी तक कहीं भी नहीं है, तो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। वर्डिक लास्ट वही होगा जो हम फिर ट्राई करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। चलते हैं। अच्छा, एक मटका पिज़्ज़ा, मटका पिज़्ज़ा की क्या प्राइस है? स्मॉल 400, मीडियम 850, लार्ज 1200। अगर इधर डाइनिंग करेंगे, अगर टेक अवे करते हैं तो स्मॉल और मीडियम में 50 रुपीज़ एड होते हैं, लार्ज में 100, लाइक 450, 900, 1300। अच्छा, अगर इधर ही लेते हैं तो 400 का स्मॉल है, 850 का लार्ज है, मीडियम है और लार्ज 1200 का। और अगर डिलीवरी करवाते हैं तो 50-50 ऐड क्यों हो रहे हैं मटके के? मटके और पैकिंग। अच्छा अच्छा, पैकिंग वगैरह के लिए वो ऐड हो जाते हैं, मटके में जाता है। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करते हैं कि एक मीडियम पिज़्ज़ा करते हैं, उसके साथ हम करते हैं एक और चीज़ आपने क्या बताई थी आपकी, एक पिज़्ज़ा बर्गर एक वो कर लेते हैं और फिर उसको ना ट्राई करते हैं। कितना टाइम लगेगा इसमें? मटके में जो लगता है वो 25 मिनट्स तक लग जाते हैं। 25 मिनट्स तक लग जाते हैं, ठीक है, ये लग जाएगा। एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप परमिशन दें तो हम उसको रिकॉर्ड कर लें वीडियो वगैरह, ठीक है? ये कह रहे हैं कि कर लें, फिर चलते हैं मेकिंग की तरफ चलते हैं, उसके बाद खाने की तरफ आते हैं। चलें आज। बर्गर तो हमारा आ गया, मटके को टाइम लगेगा। मैं एक चीज़ देख रहा था कि इनके मेन्यू जो हैं दो टाइप के हैं, एक $1 मेन्यू है, ये 160 रुपीज़ वाला, एक $2 मेन्यू है, ये 320 वाला। मतलब कि आपके 160 के अंदर जो मर्ज़ी है कुछ मंगवा लें और 320 में ये जो मर्ज़ी मंगवा लें। तो हमने जो चीज़ मंगवाई है $1 में या $2 में, देखते हैं। ये $2 में है भाई, पिज़्ज़ा बर्गर प्लस फ्राइज, ठीक है। ये आपकी आ गई है, ये आपकी इसके साथ सॉस आपको मिली है और ये आपका मिला है पिज़्ज़ा बर्गर। अगर इसको मैं आपको गौर से दिखाऊं तो ये चेक करें, इसमें चीज़ चेक करें, क्वांटिटी वाइज अगर मैं देखूं तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा बर्गर नहीं है जैसा हमें खाने की आदत है। ये देखें, इसको जो है ना ज़रा निकालते हैं, इसको निकालते हैं और
ट्राई करते हैं। सारी गेम सॉस की है। अभी अगर मैं एक चीज़ दिखाऊँ, पिज़्ज़ा बर्गर से क्या मुराद है, बन के ऊपर या चिकन के पीसेस, उसके ऊपर चीज़ है, ये सारी चीज़ है, चीज़ से लत पत है। ये चेक करें, और जो चीज़ भी है ना, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, हॉट चीज़ है, हॉट, ये मेल्ट हो रही है इस टाइम, और उसका अपना मज़ा है। मुझसे अगर पूछे तो मैं रेकमेंड करूँगा, एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करें। एक चिकन आपका अंदर है और ये चिकन ऊपर है, और मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया तो मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा है। अगर इधर आते हैं मेन 6 रोड पे तो इधर ट्राई करें, मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। मुंह के साइज से बड़ा बर्गर हो और आपको ज़बरदस्ती करनी पड़े उसके साथ। बर्गर का देखें मैंने हाल क्या किया है। अब ज़रा अपने मटके की तरफ आते हैं, उसको ट्राई करते हैं, फिर आपके साथ ज़रा अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो गलती को ताई माफ़। तो ना मुझे इसका इतना एक्सपीरियंस है कि इसको खाना है किस तरह, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखें, एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें नज़र आ रही है वो है चीज़। ये चेक करें, ये चीज़ की पूरी लेयर है ऊपर, ये देखें, ये चीज़ की प्रॉपर एक पूरी लेयर है ऊपर, और इस टाइम शदीद गर्म है। रिस्क लेने लगा हूँ आपके लिए, क्या ख्याल है ज़िया, हो जाए रिस्क, ले लें। ये पता नहीं इसको पिज़्ज़ा कहना या पिज़्ज़ा कहना चाहिए, इसको कह देना चाहिए। अच्छा पिज़्ज़ा इसको सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टेस्ट वो पिज़्ज़े वाला ही है, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। देख लो सती साहब, चीज देख रहे हो, क्या बात है। अब इसको किसी तरीके लपेटते हैं और इसकी बाइट बना के, टू गुड है, बहुत आला है। गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाने का ना आज पहली दफ़ा वैसे मुझे मज़ा आया है, वरना जब तक पिज़्ज़ा आता है उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं पिज़्ज़ा ठंडा हो चुका होता है। ये मज़ा है कि जहाँ जहाँ से खोलेंगे वहाँ वहाँ से आपको गर्म पिज़्ज़ा मिलेगा। एक बार लोकेशन मैं दोबारा बता देता हूँ, 6 रोड पे फ्लाईओवर के नीचे आपको ये बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के साथ द पिज़्ज़ा प्रोफेसर आपको मिल जाएगा। अगर तो यहाँ का चक्कर लगता है, स्पेशल भी आने की ज़रूरत नहीं है, अगर तो आपका चक्कर लगता है तो आप यहाँ पे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अब मैं ज़रा अपना पिज़्ज़ा इंजॉय कर लूँ, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।